तकनीक के जमाने में सरकारी व्यवस्थाएं पुराने ढर्रे पर चल रही है। यहाँ बात कर रहे हैं बखानजूर सिविल अस्पताल की। आज भी पुरानी एक्सरे मशीन से एक्सरे हो रहे हैं, जबकि अब वहाँ डिजिटल मशीन की जरूरत है जिससे मरीजों को तत्काल एक्सरे रिपोर्ट मिले। डीएनके प्रोजेक्ट में जब अस्पताल बना था उसी समय मशीन दी थी, तब से यही मशीन से एक्सरे चल रहा है। कई बार छोटी छोटी समस्याएं भी आती रहती हैं, जिससे मरीजों को परेशान होना पड़ता है और बाहर से एक्सरे कराना पड़ता है। अभी सिविल अस्पताल पखानजूर में डिजिटल मशीन आने के बाद समस्या हल हो पाएगी। अभी एक्सरे रिपोर्ट लेने के लिए कई घंटों मरीजों को इंतजार करना पड़ता है, क्योंकि फिल्म की धुलाई कर सुखाने में समय लगता है। यदि डिजिटल मशीन आ जाए तो राहत मिलेगी। प्रतिदिन अस्पताल में कई लोग हड्डी से संबंधित आते हैं, लेकिन वे अस्पताल की बजाय बाहर से एक्सरे कराना उचित समझते हैं। सर, क्षेत्र में एक ही सिविल अस्पताल है, जिसमें कि आज से 50-55 साल पहले डीएनके प्रोजेक्ट का एक्सरे मशीन चल रहा है, जबकि आजकल युग डिजिटल हो चुका है। इस संबंध में आप क्या कहेंगे? इस संबंध में मेरा यही कहना है कि डिजिटल एक्सरे के लिए एप्लीकेशन जा चुका है, महीने दो महीने के अंदर डिजिटल एक्सरे आ जाएगा, उसके बाद क्षेत्र के वासियों को डिजिटल लाभ उपलब्ध होगा। तो सर, ये जो मशीन अभी है ये संचालित चल रहा है? हाँ जी, जी हाँ, ये अभी चालू कंडीशन में है। तो इसमें तो एक्सरे करने में कम से कम 2-3 घंटे का समय व्यर्थ होता है। इसमें थोड़ा सा समय तो लगता है इसमें डिजिटल के बनस्पत। तो डिजिटल मशीन के लिए आवेदन दे चुके हैं आप लोग? बखानजूर से विप्लव कुंडू की रिपोर्ट।